इस सभा में आए हमारे समाज की आम बहन और साथ भारतीय जनता पार्टी के बागपत जिला के अध्यक्ष श्री वेदपाल उपाध्याय जी, उनके साथ चलकर आए श्री सतपाल उपाध्याय जी, श्री अशोक जी और मेरे गुर्जर समाज के उनके महामंत्री और मंच पर आसीन अन्य मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे साथियों, बड़ा ही सुंदर संचालन कर रहे भाटिया जोगी, अब तक पहले उपाध्याय समाज के थे लेकिन आज से जोगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश नाथ जी। सभागार में उपस्थित मेरे माताएं बहने बड़े बुजुर्ग और समाज के अनेक ग्रामों से आए मेरे साथियों, इस कार्यक्रम को जो आपने संख्या की दृष्टि से सफल किया है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं इस बात के लिए, क्योंकि हम जहां रह रहे हैं थोड़े से फेसबुक पर और मीडिया पर भी विश्वास करते हैं, उस पर देख रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जोगी कम है और उपाध्याय ज्यादा है, लेकिन आपकी तादाद मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपने आज उपाध्याय नहीं जोगी और नाथ बन करके जो इस पंडाल को भर के दिखाया है और हजारों हजारों की संख्या में आप यहां पर आए हैं, इससे पता चलता है कि आप उपाध्याय समाज नहीं अपने मूल में जो कि समाज में लौटने का काम जो आपने किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, एक समय वो था जब कुछ लोग हमारी मूल पृष्ठभूमि सभी की गांव से है, गांव से जाकर शहर में बस गए और मैं भी अपने नाम के आगे विनोद उपाध्याय लगाकर था। आप विनोद जोगी के नाम से अपने आप को मैं अपना नाम जो विनोद जोगी से करूंगा। और मित्र, जो लग रहा था कि हमारे समाज के जो 10-5 लोग लागे हमारे शहर में बैठे और वो उपाध्याय बन गए और मजा भी जो है उनकी वजह से हमने सुना कि हम उपाध्याय हैं, बचपन से मेरा नाम भी विनोद उपाध्याय पड़ गया और वही लोग जो संस्था जो मेरठ में चलाते रहे, अन्य जिलों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसी तरह की संस्था चलाते रहे और हमें पता ही नहीं चला कि हम उपाध्याय हैं। जब थोड़े बड़े हुए हमें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी तो वहां जाकर देखा तहसील में कि भैया जो कि नाम के आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा आप बैंकवर्ड में जब जाओगे नहीं तो ब्राह्मण बन जाओगे। ऐसी दुर्दशा हमारे साथ रही, गिनती हमारी ब्राह्मणों में हुई और ब्राह्मण जाति के लोग हमारे इसका लाभ राजनीति और अन्य क्षेत्रों में लेते रहे और हमारी जाति हमेशा पीछे रह गई। लेकिन अब मुझे देश के इस बात की बड़ी खुशी होती है कि लोगों को, क्योंकि वो अब सबल हो गए हैं, अब मजबूत हो गए हैं, अब मेरे समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IPS हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये बैठे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हमारे लोग चला रहे हैं और लाखों लाखों 50 करोड़ों रुपए का व्यापार आप कर रहे हैं, इसलिए हमारी समाज भी आज की तारीख में मजबूत है और हमें किसे कहने में शर्म नहीं आती कि हम जोगी समाज के एक रिच और धनी और अच्छी मानसिकता के लोग हैं। इस समाज ने हमेशा अन्य समाजों को लोगों को दिशा दिखाई है और उस कड़ी में आज इस समाज को लेकर के हम जो चले हैं, भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा इसके खिलाफ आज इस दौराना की पवित्र धरती से ये संदेश समय जाना चाहिए कि योगी समाज आपका अग्रसर है और इसको पूर्ण तरह से प्रतिबंध करने की मांग करता है और इस बीच आपके सारे समाज आपके बीच में जो आपके पीछे पीछे चलेंगे और ये दोनों कुरूतियां मित्रों आपके उठाई हुई मांग से आप अग्रज रहकर इसको समाज से खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात मित्रों, केवल जोगी नाम से हमारा जो है एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है लेकिन पीछे 1993 में कुछ जातियां जो है बैकवर्ड कास्ट में करी गई, उसमें एक लोधी समाज में उदाहरण के रूप में बता रहा हूं आपको, 1993 में केवल लोधी समाज
लोध नाम से उनका कास्ट सर्टिफिकेट बैक सर्टिफिकेट का बनता था, लेकिन आज 1999 में इसी तरह का सर्टिफिकेट जो है कटेरे जाति का बनता था, लेकिन 1999 में जब समाज ने उनसे मांग करी तो उस मांग के उनके बीच में लोधी के साथ साथ 1999 में उनके साथ लोधी राजपूत इस तरह की जोड़ दी गई, और कन्हैर में भी चौरसिया जाति के नाम से उनका जो 1999 जोड़ दी गई। मैं आज इस मंच के माध्यम से भी यह मांग करना चाहता हूँ सरकार से, और इसका हम जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम मेयर के डीएम को शीघ्र देंगे। यह मांग करते हैं हम कि हमारे समाज के साथ केवल जोगीनाथ जोगी के अलावा नाथ और योगी नाम से भी हमारे पास सर्टिफिकेट बनने चाहिए, ये भी हमारे नाम से है, इसको सम्मिलित करा जाना चाहिए। दूसरा, आज योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, योगी नाथ समाज के हैं, मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ, इस मांग का भी ज्ञापन उसके साथ भी दिया जाएगा कि प्रत्येक जिले में हमारे कम से कम एक चौराहे या एक सड़क का नाम भगवान बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम पर होना चाहिए। अब वो समय मित्रों पीछे चला गया है कि हम कुछ लोगों को बुलाते थे, हम 10-20 लोग मिले शहर में, हमने बुलाया वहाँ के MLA या MP को बुलाया, भैया हमें कुछ दे दो, हम जो की जाति के हैं। नहीं मित्रों, ये बात अब हमें बंद करनी पड़ेगी। अब हमें इतना संख्या बल अपना दिखाना है कि अनेक पार्टियां आगे कहें कि आप जो भी समाज के हो आपकी इतनी संख्या है और हम आपको MLA और MP का टिकट देंगे। इतनी संख्या बल हमको एकत्रित करना है, ये जागृति मेरे समाज में नौजवान साथी जो मेरे लाए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मित्रों, हमें अपने जाति के ऐसे अनेक लोगों को अपने साथ में खड़ा करना है जो राजनीतिक क्षेत्र में है, उनकी एक आवाज पर इकट्ठा होना, उनके एक साथ जो हमें उनके साथ चलना है। यदि हमारे समाज के गौरव वेदपाल उपाध्याय जी हैं, आज एक किसी मंच पर है भारतीय जनता पार्टी को पूरा उत्तर प्रदेश आपको एक बहुत जो भागवत में आपने संगठन करके दिखाया है उसमें आपका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में है, और केवल इनकी आवाज पर ऐसे ऐसे और भी अन्य हमारे समाज के लोग हैं, सत्ताल जी हैं, और भी राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, यदि वो आवाज देते हैं तो लाखों लाखों की संख्या में हमारा सैलाब शहर में उमड़ना चाहिए उनकी आवाज पर। उसी बात सरकार और दूसरी पार्टियां हमारी पावर को समझेंगे और आपको राजनीति के क्षेत्र में MLA और MP देने का काम करेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।